कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आज के समय में करंट अफेयर हो चुका है। यूपीएससी भी करंट अफेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज देता है, और आप लोग जितना करंट अफेयर के ऊपर फोकस करेंगे उतना आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। करंट अफेयर भी दो टाइप के हो चुके हैं। एक होता है जो एक साल या दो साल के अंदर जो इवेंट हुए हैं वो एक करंट अफेयर होता है, और दूसरा एक करंट अफेयर होता है जो एक लंबे समय से एक प्रोसेस चली आ रही है, जैसे यूनाइटेड नेशंस की एस्टैब्लिशमेंट से लेकर आज तक, कोई जिनेवा कन्वेंशन हो गया, क्लाइमेट चेंज के कोई एग्रीमेंट हो गए, ये सारे एग्रीमेंट्स भी जो है करंट अफेयर के अंतर्गत ही आते हैं। दे आर इंक्लूडेड एज टॉपिक्स, बट वो कनेक्ट होते हैं करंट अफेयर के साथ। तो हम लोगों को अगर करंट अफेयर करना है तो दोनों भी पैटर्न में करना है, पास्ट भी और प्रेजेंट भी। तो इसीलिए आने वाले समय में हम लोगों को करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा।